पे बाहों पे राहों पर नाहों पे आहों पे। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूं। तो गाइस गाइस आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है यहां से। भाई टैक्सी आ गई है, अभी हम चलते हैं जम्मू के लिए। लड़का जा रहा है वापस, तो ये यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए भी मार्च कर रहे हैं। शाम के ठीक 7 बज चुके हैं और निकलते हैं अभी यहाँ से, मिलते हैं आप आगे। आपको कुछ दो बोल तो बोल दे फिर, अभी टैक्सी में बैठा हुआ है तो। बस चल रहे हैं, बहुत बुरा भी लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है। चाचू से बिछड़ने का दम है और पापा से मिलने का वो है, खुशी है। चल दिए हैं अभी यहाँ से हम, अभी आधा घंटा का रास्ता दिखा रहा है अपना नेटवर्क, 30 मिनट पूरा दिखा रहा है, 30 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। कुली बन गए हम तो रेलवे स्टेशन में आके, तो पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली। क्या नाम? पकड़ ली गाइस, पकड़ ली गाइस, ये तो छूट जाती। क्या बात, बोलो बोल। जम्मू कश्मीर कहाँ? हेलो गाइस, तो पहुंच चुके हैं जम्मू रेलवे स्टेशन पे और यहां से हम जाएंगे आगे उधमपुर। उधमपुर में होगा हमारा उतरना, वहां से हम मैं वापस आऊंगा और बच्चे को भेज दूंगा वहां से आगे, वो जाएंगे घर कई सालों के, 2 साल के बाद। फिलहाल ट्रेन खड़ी है और गाइज हम पहुंच गए हैं उधमपुर और ट्रेन हमारी गई निकल। अब हम यहां से चलते हैं अपने अपने रास्ते, ये जाएंगे घर। और ठंड भी लग रही है मुझे तो, हाफ में हूं तो मुझे भी ठंड लग रही है और इसको भी ठंड लग रही है, तो फुल पहना हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं उधमपुर का ये रेलवे स्टेशन है, यहां पे छोटा सा रेलवे स्टेशन है और यहां से फिर हम चलते हैं अब आगे, तो मिलते हैं आपको आगे। ओके बाय बाय। ये रेलवे स्टेशन देख सकते हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज कर दिया मॉनिटर कैप्टन तोषार महाजन के नाम से अभी है। ये छोटा सा रेलवे स्टेशन उधमपुर जो पहाड़ों के बीच में, यहाँ से आगे और एक स्टेशन है जो है कटरा माता वैष्णो देवी का।
और वो लास्ट है। छोटा स्टेशन, प्यारे प्यारे लोग, प्यारे प्यारे लोग, ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी ऊंचे ठंडी। ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़। गाइस अभी हम यहाँ से हो रहे हैं जिला, ये जा रहे हैं किश्तवाड़ और मैं जाऊंगा वापस दिल्ली, तो ये रास्ता यहाँ से अलग हो रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे आप चलेंगे साथ में। अभी कैप्टन के पेपर चलेंगे। खत्म हो गए थे तो घर जाने के चक्कर लगा, क्योंकि 2 साल से दिल्ली में रह रहा था, तो 2 साल के बाद घर जा रहा है। कोई अभी माँ बाप के पास जाइएगा वहाँ पे, और 2-3 महीने के बाद फिर आएंगे दिल्ली। तो गाइस आ गई है जुदाई की घड़ी यहाँ से, आप देख सकते हैं चिन्नी पत्नीटॉप डोडा रामबन श्रीनगर लेह, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ से हमारा होता है रास्ता अलग, और हम जाएंगे यहाँ से वापस, और ये जाएगा यहाँ से किश्तवाड़। ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से पत्नीटॉप बहुत नजदीक है, एकदम घने बादल हैं, ये देख सकते हैं आप, वाह बहुत ही मस्त मौसम हो रखा है। और ये हमारा उत्तर जा रहा है ठंडे इलाके में जहाँ बारिश हो रही है, रखा है, बहुत खुश है, बेताब है अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, भाई से मिलने के लिए। कैसा लग रहा है अभी जाने के टाइम आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बढ़िया। मीटिंग हो रही है अभी, तो शाम को मीटिंग हो जाएगी, मीटअप हो रहा है। मीटअप, ओके। बाहों पे, राहों पर, नाहों पे। जाना था मुझे पत्नीटॉप, मैंने आपसे प्रण किया था मैं पत्नीटॉप जाके आपका वहां का दृश्य दिखाऊंगा, पर ठंड बहुत लग रही है अभी यहाँ, तो हवा ही ठंडी चल रही है और ऊपर बादल बहुत हो रहे हैं, तो हो सकता है कि बारिश हो सकता हो जाए और हम वहां का दृश्य आपको सही ढंग से ना दिखा पाए, तो आपको यहाँ से हम पहाड़ियों का पूरा दृश्य दिखाएंगे, आप देखेंगे। यहाँ से रास्ते अलग हो जाते हैं उधमपुर, ये बाईपास रोड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से श्रीनगर और जम्मू कश्मीर जो किश्तवाड़ पड़ता है, और श्रीनगर का रास्ता अलग हो जाता है। मैं फिलहाल बाईपास से रेलवे स्टेशन के लिए पुश कर रहा हूँ, ये बाईपास रोड है जो गाइस आप देख सकते हैं, ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ, ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये देख सकते, ये पत्नीटॉप का पूरा सिलसिलेवार जो पहाड़ी दिख रही है ये पत्नीटॉप की है, वहाँ पे दोनों खंडों। मैं आ चुका हूँ वापस, यहाँ से आप जाएंगे वापस दिल्ली, रेलवे स्टेशन के लिए खड़ा हूँ, रेलवे स्टेशन है, इसका नाम चेंज हो गया है, माजिन नतोशा माजिन के नाम से। तो गाइस अभी हमारी ट्रेन कुछ ही क्षणों में आने वाली है, और टाइम उधमपुर के रेलवे स्टेशन के ऊपर हूँ, और यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे अभी जो माता वैष्णो देवी की साइड से आएंगी, वहाँ से आती है माता देवी के भवन से और जाती है सीधा दिल्ली, और तो उसका ठीक टाइम 9:30 बजे यहाँ पहुँचने का होता है, तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं, 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी और फिर हम चलेंगे ट्रेन में, करेंगे दिल्ली तक का सफ़र। हमारा ये ब्लॉग जो था दिल्ली से उधमपुर और उधमपुर से दिल्ली, ये ब्लॉग था हमारा, यहाँ तो मुझे आना था, और आप जानते हैं कि मैं किस मकसद से यहाँ पे आया था, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चा रह रहा था, मेरा भाई का बच्चा था, मेरा अपना ही बच्चा था, तो मेरे पास पढ़ रहा था, तो मैं उसको छोड़ने के लिए यहाँ तक आया था, और अभी मेरे पास यहाँ पे रुकने का कोई मकसद नहीं रहा, तो मैं शाम तक नहीं रुक सकता यहाँ, तो अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ से ट्रेन जा रही है, तो मैं उस ट्रेन में वापस शाम को वापस दिल्ली पहुंच जाऊंगा, आप लोगों के समक्ष वहां पे करेंगे लाइव आपके साथ। तो गाइज मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाह रहा हूं कि यदि आप उधमपुर के नाम से कहीं भी IRCTC की वेबसाइट पे सर्च करोगे तो आपको उधमपुर नाम नहीं आएगा, उसमें नाम आएगा आपका MCTM। MCTM का फुल फॉर्म है ये तोषार महाजन जो शहीद हुए थे उनके नाम से इसका नाम रखा गया है उस रेलवे स्टेशन का। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम टिकट करने के लिए किसी भी वेबसाइट से हम टिकट करते हैं तो वहाँ उधमपुर लिख देते हैं, तो उधमपुर जो है नहीं आता है, तो उसका नाम अभी शॉर्टकट में कर रखा है इन्होंने MCTM, जिसका नाम पूरा मैं आपको पूरा बोर्ड भी दिखाऊंगा उसका, तो मार्टियर कैप्टन तोषार महाजन के नाम से ये जो है नाम रखा गया है इस रेलवे स्टेशन का। तो अब मैं आपको आप बोर्ड दिखाऊंगा, आप बोर्ड देखिए, तोषार महाजन मार्टियर कैप्टन तोषार महाजन, और खूबसूरती इतनी कि क्या बताऊं मैं आपको, यदि कोई आदमी यहाँ आता है तो यहाँ अपने आप को लगता है कि फील आता है कि जन्नत में आ चुका हूँ, और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़ा बादल छाए हुए हैं पहाड़ों के ऊपर, ये देख सकते हैं पूरा दृश्य।
तो कुछ ही क्षणों में ट्रेन आने वाली है, माता वैष्णो देवी के वहाँ से आती है और ये उधमपुर में आ चुकी है अभी। गाइज फाइनली आ चुके हैं हम मेट्रो स्टेशन प्रताप नगर, यहाँ से जाएंगे कीर्ति नगर, वहाँ से जनकपुरी, जनकपुरी से फिर जाएंगे मुनिरगा, आरके फॉर्म के पास मुनिरगा है। तो फाइनली गाइज मैं पहुँच गया हूँ मुनिरगा, जो मेरा लास्ट स्टॉपेज था, और यहाँ से मैं जाऊँगा अभी क्वार्टर में। ये ट्रेन यहाँ पे जा रही है अभी, बाय बाय ट्रेन, और मैं आप सफर 24 घंटे का सफर करके वापस आ गया। ट्रेन जा रही है, क्या बात है, वेरी नाइस गाइस। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने रात के पुरम में, रात के ठीक टाइम हो चुका है, टाइम 11:05 हो चुका है। तो काफ़ी सफ़र करके, तो गाइस काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद, जम्मू की वो पहाड़ियाँ आपको दिखाने के बाद मैं अपने स्थान पे पहुँच चुका हूँ। तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूले। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में आपको नए इवेंट के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।